तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 23 एंड 100 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। यानी कि 23 एंड 100 के बीच में कितने नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर जो 6 से डिवाइड होंगे। तो 23 और 100 के बीच में सबसे पहला जो नंबर है 23 के बाद जो 6 के टेबल में आता है वो आता है हमारा 24। ठीक है। एंड 100 से पहले जो 6 के टेबल में आता है वो होता है हमारा कैसे पता करेंगे? अगर आपको करेंगे तो आप कर सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं कि 100 से को डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है। तो ये इससे कम क्या आएगा हमारा 6 आएगा 4 एंड ये उसके बाद क्या आएगा हमारा 36 आएगा और ये होगा हमारा 4। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना 100 से। तो हमारा जो नियरेस्ट नंबर होगा 100 से कम और 6 से डिविजिबल होगा वो होगा हमारा 96। तो 100 माइनस 4 कितना होगा हमारा 96। तो हमारा जो लास्ट नंबर होगा हमारा ये होगा। यानी कि जो 23 और 100 के बीच में जो नंबर्स है इनमें से ये 24 से स्टार्ट होंगे और 96 के बीच में होंगे। ठीक है। और जैसे कि नेक्स्ट नंबर इसमें क्या होगा हमारा 30 होगा, उसके बाद 36। तो ऐसे ही हमें 96 तक नंबर तक पहुंचना है और पता करना है कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे। तो इसके लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें हमारा 24। ठीक है। और डी क्या होगा हमारा, डी यानी कि डिफरेंस वो होगा हमारा इसमें 6। ठीक है। 32, 30 माइनस 24 कितना होगा हमारा 6 होगा। एंड एन हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कितने टर्म्स होंगे जो कि 6 से डिवाइड होंगे। और इसमें जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी कि ए एन एंथ टर्म है वो कितना दे रखा है हमारा इसमें 96। ठीक है। तो ए एन हमारा गिवन है कितना, ए एन हमारा गिवन है 96। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन का फॉर्मूला लेफ्ट साइड पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इक्वल टू 96। उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना हमारा 24 ए यानी कि, और फिर एन हमें पता करना है तो एन को अभी हमें ऐसे ही रहने देंगे, तो एन माइनस वन को अभी ऐसे ही रहने देंगे। और डी कितना हमारा इसमें 6। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें 24 को हम राइट साइड भेज देंगे तो एन माइनस 6 कितना हो जाएगा, एन माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा 96 माइनस 24। तो 96 माइनस 24 होता है हमारा 72। ठीक है। सो एन माइनस 1 हो जाएगा हमारा, 6 चले जाएगा नीचे तो यानी कि बन जाएगा ये 72 बाय 6 जो कि होता है हमारा 12। यानी कि n माइनस 1 हो गया हमारा 12। तो n कितना होगा हमारा इसमें, 1 को भेज देंगे राइट साइड तो ये होगा हमारा 12 प्लस 1 यानी कि 13। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें 23 और 100 के बीच में जो 6 से डिवाइड होंगे वो होगा हमारा 13। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जैसा यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।